अली गौहर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा मुझे बताइएगा, आपने अश्तर और साफ साहब की बात सुनी, आपने इब्राहिम खान साहब की भी बात सुनी, और अब जो डायरेक्शन है वो दी गई है टू द इनकम टैक्स एंड टू द FBR, एंड दे हैव टू रिवर्ट बैक इन 60 डेज, 60 दिनों का टाइम दिया गया है कि जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं रिगार्डिंग ऑल दिस दे हैव टू सबमिट इट टू द सुप्रीम कोर्ट। क्या आप कहते हैं इसके ऊपर जी? जी अली गौहर साहब, कैन यू हियर मी? जो आपने ये अभी वो पहले प्रॉपर प्रॉब्लम थी, आवाज नहीं आ रही थी, बात ये मंसूर भाई कि जिस तरह से मैं भी इस तरह असाफ साहब की बात सुन रहा था, फिर उन्होंने काफी डिटेल में बताया कि ये जो रेफरेंस दायर किया गया, आपको पता है कि डे वन से वकला का एक और स्पेशली मीडिया पर और हर जगह पर ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि ये मौजूदा हुकूमत और इनके प्रेसिडेंट और इनके प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बद नीति पर मबनी एक कदम उठाया, और जैसा कि ये वो उसी चीज का तसलसल है जैसा कि इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते थे, वो कंटेनर पे जो जुबान इस्तेमाल करते थे, वो अपनी मीटिंग में बैठ के जो जुबान इस्तेमाल करते थे, वो आज भी ऑन रिकॉर्ड है और मीडिया पर मौजूद है। Okay. ये उसी चीज का तसलसल, और साथ ही साथ जो इन्होंने जिस तरीका से उसके वो जो जो इन्होंने सोर्स लिए और जिस तरीके से इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के मतलब एक रिस्पेक्टेबल जज की जिस तरह से प्राइवेसी डिस्टर्ब की, जिसका के ना इन्हें कानून इजाजत देता था ना इनको आईन इजाजत देता था। Okay. और ये उसी तरह से जिस तरह के इन्होंने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ एक दफा इन्होंने मतलब कोई ऐसा इदारा इन्होंने नहीं छोड़ा कि जिसको इन्होंने जिस पर अटेम्प्ट नहीं किया कि उसको अपने जेरे असर लाएं या जेरे कब्जा लाएं और अपनी ही मर्जी के लोगों को बिठाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पता है कि जस्टिस फायज ईसा साहब का जो फैसला आया है उसमें जितने भी बेंच में जजेस थे आप उनके अलग अलग चुके टाइम थोड़ा है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी है, फैसले में क्या क्या लिखा है, पूरी कौम उस चीज को देख रही है। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन दिन है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इतना मतलब है कि इस एक अहम फैसला जो है वो सुनाया है। ओके, और फौरी तौर पर ठीक है जिन्होंने ये सर रेफरेंस दायर किया मंसूर भाई, प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। Okay. ये मिसालें देते थे इंग्लैंड की, ये मिसालें देते थे मगरबी वो जो मैनर्स हैं जमहूरियत के, तो आज ये खामोश क्यों बैठे हैं? मुझे जरा इस पे अली साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा इस पे जवाब लेने दीजिएगा। मैं